न्याय देवी करती हैं सबका समाधान। पिथौरागढ़ में स्थित इस मंदिर के रहस्यों से उठा पर्दा। न कोर्ट जाना पड़ता है और ना ही कचहरी, माँ कोर्ट गाड़ी के दरबार में समाधान की देहरी। जो भी मन्नत मांगता है हो जाती है पूरी, माँ कोर्ट गाड़ी के दर्शन से भक्ति मिलती है पूरी। उत्तराखंड अपने आप में कई इतिहासों को समेटे पड़ा है। अगर मंदिरों के इतिहास की बात करेंगे तो कई राज खुलकर सामने आ जाएंगे। अब एक और मंदिर ऐसा है जहां सिर्फ न्याय मिलता है, ना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर है और ना ही इंसाफ के लिए भटकने की जरूरत, चाहे कोर्ट हो या फिर कचहरी या यूं कहें समाधान। ये सारी समस्याएं हल हो जाती है जब भी कोई इस मंदिर आता है। विश्वास और सबूत दोनों को समेटे मंदिर कई बार अपने आप को प्रमाणित भी कर चुका है, इसीलिए लोग दूर दूर से दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। लोगों के मन में कई सवाल होते हैं कि क्या सच समाधान के लिए मंदिर फेमस है। कुछ लोग तो इसलिए मंदिर के दरवाजे पर आते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ भी समस्या हो माता रानी समाधान कर देती हैं, तो उन लोगों का भी विश्वास माँ पर और बढ़ जाता है। आज हम उत्तराखंड में स्थित एक मंदिर के राज से पर्दा हटाएंगे, कैसे माता रानी अपने भक्तों की समस्या को सुन लेती है और जो काम कोर्ट कचहरी में नहीं हो पाता वो काम माँ के दरबार में हो जाता है। तो चलिए समाधान वाली माँ के दरबार के रहस्य से पर्दा हटाते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माँ कोलगाड़ी न्याय की देवी के रूप में पूजी जाती है। कोलगाड़ी भगवती मंदिर में जो भी भक्त आया उसको माँ ने न्याय ही दिया। बेड़ीनाग विकास के पांखू में स्थित माँ कोटगाड़ी में भक्तों की अटूट आस्था है। यहाँ लोग न्याय के लिए आते हैं। सच्चे मन से की गई आराधना को माँ अवश्य स्वीकार करती हैं। यहाँ मन से मांगी मुराद पूरी होती है। इस मंदिर को न्याय का मंदिर भी कहा जाता है। लोगों का मानना है अगर कोई लड़ाई झगड़ा किसी को इंसाफ चाहिए हो तो वो माता के यहाँ आकर इंसाफ मांगता है और उसको इंसाफ मिल भी जाता है। मंदिर के पुजारी हर रात को देवी माँ की सैया सजाते हैं, माँ रात्रि को उस पर विश्राम करती हैं, सुबह के समय बिस्तर पर सलवटी मिलती है। देवी भागवत पुराण के मुताबिक 54 शक्ति पीठों की पूजा होती है। देवी सती के शव को गोद में लेकर जब शिवजी ने तांडव किया था तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 54 टुकड़े किए थे। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उस स्थान पर आदि शक्ति पीठ की स्थापना हुई थी। पांखों के कोकिला स्थान पर देवी का योनि वाला भाग गिरा था, इसीलिए यहाँ योनि आदि शक्ति पीठ की पूजा होती है। इसे कोट यानी न्याय की देवी भी कहा जाता है, जो कोट गाड़ी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ देवी सातवीं वैष्णवी के रूप में पूजी जाती हैं। यही नहीं, बनों के अंधाधुंध कटान से परेशान गांववासी अपने जंगल को भी देवी को चढ़ा देते हैं। देवी उनके जंगलों की देखभाल भी शक्ति से करती हैं। देवी के गर्भगृह के भीतर जमीन के नीचे अविरल बहने वाली जल संपदा है। इसका सिंचाई और पीने के शुद्ध पानी के रूप में इस्तेमाल होता है। इसी प्रवाह से निकले पानी से कोकिला नदी या क्रांति नदी की महत्ता स्कंद पुराण में वर्णित है। कोटगाड़ी माता को लोग जहाँ डाक द्वार भी अर्जी दाखिल करते हैं, वहीं दूर से मनौती मानने पर भी सबकी सुन लेती हैं। वैसे तो साल भर से भारत के सभी कोने से दर्शनार्थी पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ चैत्र नवरात्र और दशहरा की अष्टमी पर भव्य मेला लगता है।